साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सा सिरप और लिक्विड किस काम आता है, जिससे हम आम बोलचाल की भाषा में दवाइयों की शीशी भी कहते हैं। ये सभी सिरप ओटीसी प्रोडक्ट है, मतलब कि इन्हें लेने के लिए आपको डॉक्टर की पर्ची की जरूरत नहीं पड़ती है, आप इन्हें आसानी से मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। नंबर वन, साफी। साफी का उपयोग लोग बहुत समय से करते आ रहे हैं। इसका उपयोग ब्लड प्यूरीफायर, पिंपल्स और एक्ने में किया जाता है, मतलब कि इसका उपयोग खून को साफ करने, जिन्हें पिंपल या फुंसी है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। यह मेडिकल स्टोर पर साफी नाम से उपलब्ध है। यह हमदर्द कंपनी की आती है। साफी में कई सारे यूनानी मेडिसिन जैसे साना, सीसम, सेंडल, गिलोय, हर्ब, चिराटा, नीलकंठी, नीम, तुलसी, चोपचीनी, कीकर, ब्राह्मी, कासनी, यूनाब, रविंद्र चीनी, कनद सफेद और सोरादेश पाए जाते हैं। नंबर दो, जिंकोविट। जिंकोविट एक मल्टी विटामिन सिरप है। इस सिरप में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। इस सिरप का उपयोग हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए करते हैं। इस सिरप का यूज व्यक्ति मजबूत इम्यूनिटी पाने और सेलुलर फंक्शन को सुधारने और जख्मों को भरने में करता है। कोई भी व्यक्ति लंबे समय से बीमार होता है या दवा लेता है या उसका शरीर कमजोर हो जाता है तो डॉक्टर उसे जिंकोविट की सलाह देती है, मगर यह आप डॉक्टर्स की सलाह लेकर ही यूज करें। जिंकोविट सिरप में विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B12, विटामिन D3 और E पाए जाते हैं और बहुत सारे मिनरल्स जैसे जिंक, आयोडीन, कॉपर, सेलेनियम और लाइसिन का मिश्रण पाया जाता है। यह सिरप आपको मेडिकल स्टोर से जिंकोविट नाम से मिल जाती है। नंबर तीन, हनीटस सिरप। यह सिरप पूरी तरह से प्राकृतिक होती है। इस सिरप का उपयोग ड्राई कप, सूखी खांसी में किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को सूखी खांसी आती है तो वह इस सिरप का यूज कर सकते हैं। इस सिरप में नेचुरल हर्ब जैसे तुलसी, मुलेठी, बनापसा, कांतकरी, तालिस्तर, सुंठी, पीपली, वासका, सती, पुदीना, सतवा, सुधा, मधु आदि पाए जाते हैं। यह सूखी खांसी में बहुत ही उपयोगी सिरप है। नंबर चार, डाइजीन। साथियों, इसका नाम तो शायद ही आपने सुना होगा। इस सिरप का उपयोग गैस, एसिडिटी और इनडाइजेशन में किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो यदि किसी व्यक्ति को गैस बनती है, एसिडिटी रहती है और पाचन शक्ति सही से काम नहीं करती है तो इस परिस्थितियों में डाइजिन का यूज करते हैं। इस सिरप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिंफिथिकोन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सिलिकेट, हाइड्रेट, ड्राइड एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड जेल, ये सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं। नंबर पाँच, झंडू पंचारी। साथियों, यह बहुत पुराना सिरप है। लोग इसका उपयोग बहुत समय से करते आ रहे हैं। यह हमारे पाचन तंत्र को सही करता है, इम्प्रूव करता है और किसी का भी पाचन सही से नहीं होता है तो उसमें इसका उपयोग है और किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगती है तो भूख को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है। इस सिरप में दक्षा कुमारी, दसमोला, अश्वगंधा, सतावरी, त्रिफला, यष्टी, त्रिंकुट, त्रिजट, अर्जुना, लोद्रा, मंजिस्था, अजमोड़ा, धन्यंका, हर्ड, सती, सवेता और 0.1% जीरा का लौंगा आदि पाए जाते हैं। नंबर छः, शंख पुष्पी। शंख पुष्पी एक मेडिसिन की तरह काम करती है। यह हमारे दिमाग की शक्ति को बढ़ाती है कि किसी भी व्यक्ति की याददाश्त कमजोर होती है, एकाग्रता की कमी होती है और स्मरण शक्ति कमजोर रहती है, उस केस में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें शंख पुष्पी, ब्राह्मी, नींबू, शर्करा आदि कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। नंबर छः, अल्फा अल्फा टोनिक। यह एक होम्योपैथिक सिरप है और यह हमारे पूरे शरीर की वृद्धि को बढ़ाती है और यह हमारे शरीर में फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए काफ़ी उपयोगी है। यह सिरप भी नेचुरल है। इस अल्फा अल्फा टोनिक में बहुत सारे हर्ब्स जैसे अल्फा क्यू, कालीफोस्फोरियम, अवेना सटाइवा, कालीअस्त्रिकोमम, जिनसेन, फेरम एसिटकम, सिंकोना, ओफिसिनेसी, कालसिकेरा, फोस्फोरिक और हाइड्रोस्टिस केनाडाइसिस आदि पाए जाते हैं। ये सभी प्राकृतिक औषधियाँ हैं। यह सिरप आपको मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। नंबर आठ, नीरी सिरप। यह भी काफ़ी प्राचीन सिरप है। इसका उपयोग काफ़ी समय से लोग करते आ रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को किडनी से लेकर पेशाब की नली में, जिसे UTI भी कहते हैं, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें नीरी सिरप का उपयोग किया जाता है। यह सिरप हमारे यूरिन की pH को मेंटेन करता है। इस सिरप में दारू हरीडा, मोलिस्कर, इसकुमूल, शीतल चीनी और गोकरू आदि ऐसे ही अन्य सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। यह पूरी तरह से नेचुरल सिरप है जो आपको नीरी नाम से ही मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है।
नंबर 9 कालमेघ सिरप, यह भी एक प्राचीन सिरप है और यह एक होम्योपैथिक सिरप है। इस सिरप का उपयोग हम लीवर और पेट में कोई समस्या हो जाने पर करते हैं और यह हेपेटिक और गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स में उपयोगी है। यह भी एक नेचुरल सिरप है। इस सिरप में एंड्रोग्रास्पिस, पेनिकुलाटा, चिलिडोनियम, करिका पपैया, मारियका सिरिटेरा, हाइड्रोकोट्रेला, हाइड्रोकोटाइल एसिटिका और हाइग्रोपिला स्पिनोसा आदि पाए जाते हैं, जो कि सभी नेचुरल हर्ब्स है। नंबर 10 लीव 52। साथियों, लीव 52 टेबलेट और सिरप दोनों ही डोजेस फॉर्म में मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। यहाँ पर हम लीव 52 सिरप की बात करते हैं। यह सिरप हमारे लीवर के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। यह हमारे शरीर में भूख को बढ़ाने, सही से पाचन करने और जॉइंटाइटिस में उपयोगी होती है। इस सिरप में केपरबुस चिकोर मेन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जो कि एक नेचुरल प्रोडक्ट्स है। यह सिरप भी आपको मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। साथियों, आज की वीडियो में हमने जाना मेडिसिनल सिरप के बारे में, जो कि हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद और काम में आने वाली होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। परंतु साथियों, याद रहे, दवा लेना सही है, मगर जब ज़रूरत हो तब ही दवा का सेवन करें और डॉक्टर की सलाह लेकर ही करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।